पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 80,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 80,300 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 79,552 की सतह पर बंद हुआ था। अवाम के लिए बिजली का एक और झटका तैयार। IMF का बिजली के रेट में कम से कम 5 रुपये इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली की कीमत 5 रुपये फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया। गैस की कीमतों में इजाफे के इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम पर मुतमिन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ। रवा माह के अख्ताम तक मतवक़ बिजली नरखों में इजाफे से पेश के इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। शंघाई तआवुन तंजीम का दो रोज़ा सरबराह इजलास आज काजकिस्तान के दारुलहुकूमत आस्ताना इजलास की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें भी करेंगे। इजलास की साइडलाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें भी होंगी। बानी PTI और रहलिया के खिलाफ निकाह केस की समाअत आज सेशन जज अफजल मजोका समाअत करेंगे। सलमान अकरम राजा आज भी अपने दलाल जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दी कि हर सूरत 8 जुलाई तक केस खत्म करना है। हुकूमत मानसून बारिशों के दौरान गंदम की हिफाजत के लिए मुतहरिक। वफाकी वज़ीर ख़ुराक राना तनवीर की पासको को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इजलास में गंदम के ज़खायर को महफूज बनाने और पेश के इकदाम का जायजा। राना तनवीर ने कहा कि किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम को यकीनी बनाएं। गंदम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर मौसर इकदाम करें। नशेबी इलाकों में मौजूद गोदामों को बारिश के पानी से महफूज बनाने के लिए खसूस इकदाम को यकीनी बनाएं। किसी किस्म की कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सेहत की सहूलियात घर की दहलीज पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। सेहत की असलाहत से मुतालिक इजलास में हम फैसले। मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मराकज़ सेहत और अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक। DHQ अस्पताल में थैलीसीमिया सेंटर्स कायम। रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक होंगे। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने के लिए प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा कि सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। सरकारी अस्पतालों में सर्जरी को लेप्रोस्कोपी पर लाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाकया। वज़ीर ख़ुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरों की मर्दान ग्रिड स्टेशन आमद 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करवा दी। ज़ाहिर शाह की पेस्को हुकाम से मुलाकात। कहा लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की हिदायत की। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।